वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग मेरे व्यूअर्स? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों के घरों में भी खैर आफियत और सलामती रखे। तो जी, इस वक्त जो है हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, और बाज़ार जा रहे हैं और मैं हिनाबाजी के घर आई हुई हूँ। हिनाबाजी भी मेरे साथ हैं और कुछ चीज़ें लेनी थी ज़रूरत की, तो हम जा रहे हैं इस वक्त बाज़ार और बाकी बच्चे भी साथ हैं। तो चले चलते हैं, देखते हैं, अगर आप लोग कहेंगे और चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बाज़ार भी अपने साथ घुमा फिरा दूँगी। और वैसे ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स जो हैं वो पसंद करते हैं, और मुझे तो अच्छा लगता है इस तरह से कोयटा एक्सप्लोर करना और लोगों को दिखाना जो दूसरे मुल्कों में मेरे रिश्तेदार बैठे हुए हैं और जो कोयटा को मिस करते हैं, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि हमारा कोयटा कितना प्यारा और कितना अच्छा है। तो चलिए चलते हैं, बाज़ार जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस्ते में है उसका घर। तो ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे साथ, एक्चुअली हमने लिया है रिक्शा, किसी का घर वर नहीं है और हम बस घर अपने घर के पास से रिक्शा लेकर जो है वो अब जा रहे हैं बाज़ार। क्योंकि ऑब्वियसली सुबह के टाइम यही होता है कि घर के जितने भी ऑब्वियसली जो मर्द हजरात हैं वो ऑफिसों में होते हैं, तो कोई ले जाने वाला नहीं होता, ड्राइविंग भी हम में से किसी को आती नहीं है, तो इस वजह से जो है वो रिक्शे का सहारा लेना पड़ता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं सब यहाँ पर रिक्शे में बैठकर सवार होकर। पहले तो सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो रिक्शे में एडजस्ट होना होता है और वो 50-50 का सा माहौल बन जाता है माशाल्लाह रिक्शे में। और खैर, फिर हम लोग सब हिना बाजी, मैं और उनकी दोनों बेटियाँ जो हैं वो हम फ़िलहाल रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं, और अब आप ये रिक्शे के थ्रू जो है वो देख रहे हैं कोयटा को। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर और अगेन बाज़ार उतर चुके हैं हम। हमें जाना था दाऊद और हारून, और उससे पहले हम लोग मतलब जैसे ही उतरे हैं तो यहाँ पर हम आ गए थे कारपेट की शॉप में, और यहाँ पर जो है हम डिफरेंट कारपेट्स जो हैं, मुझे रहना था एक रग, तो वो हिनाबाजी मुझे पसंद करवा रही थी। उसके बाद जी यहाँ पर हम आ चुके हैं दाऊद हारून में, हमने कुछ चेक करना था और थोड़ी बहुत आपको पता है एंटर होते ही यहाँ पर ज्वेलरी की शॉप्स हैं बहुत सारी, तो जो बच्चियां हैं वो ज्वेलरी की शॉप पर रुक जाती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ही मुझे अपने इसका मोबाइल का जो है कवर भी पसंद करना था मुझे, और प्रोटेक्टर भी पसंद करना था, स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मैंने लगवाना था, तो वो मैं पता करवा रही थी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, कितने सारे ज़बरदस्त हर किस्म के मोबाइल्स के जो हैं वो कवर्स भी अवेलेबल हैं, और इसके अलावा यहाँ पर स्पीकर्स भी पड़े हुए थे, तो काफ़ी वैरायटी है चीज़ों की। ऑब्वियसली हर बाज़ार में होती है, कुछ साज हैं, जूते हैं, शूज़ हैं, तो आप जिसने जो भी ख़रीदना हो वो ख़रीद सकता है। और बाज़ार में तो आपको पता है एज़ यूजुअल हमेशा ऐसे ही रश होता है, जैसे कल चांद रात है और आज सबको नहीं मिली उनकी पसंद की चीज़, तो बस आज जैसे कहते हैं ना, जिस स्पेसिफिक दिन आप चले जाओ उस दिन आपको बाज़ार में इतना ही रश मिलेगा जैसे कि कल चांद रात है और ईद होने वाली है। जी, तो बेलें जो हमने लेनी थी वो हमने ले ली थी, और दाऊद शॉपिंग सेंटर में ये बहुत ही ज़बरदस्त बेलों की दुकान है जहाँ से आप बहुत अच्छी सी बेलें वगैरह जो है पसंद कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट वो बटन पट्टी और कुर्ता गला के लिए जो पट्टी होती है वो, स्टर्ज और काफ़ी सारे टसल्स वगैरह बड़े खूबसूरत मिल जाते हैं, तो कभी लेने हो तो हम यहीं से लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे, मैंने यहाँ पर लेने थे लिनन के सूट, और मैंने कुछ अदद इस दफ़ा मैं खद्दर पहन के तंग आ गई हूँ। अच्छा, वैसे पता है क्या, मुझे एक्चुअली लिनन जो है वो विंटर्स में मुझे लिनन जो है बहुत सॉफ्ट और बहुत कोजी और ठंडा ठंडा सा लगता है पहनने में, और वैसे भी मुझे ये बहुत ज़्यादा मसला है कि जी मैं कोई भी चुभती हुई चीज़ नहीं पहन सकती, लेकिन खद्दर्स भी सॉफ्ट होते हैं और ख़ास तौर से ब्रांड्स के खद्दर्स अच्छे खासे सॉफ्ट होता है, मगर पता नहीं क्यों मुझे मज़ा नहीं आता खद्दर पहन के। हालाँकि बहुत ज़्यादा ठंड में खद्दर्स ही ज़्यादा जो है वो अच्छा रहता है। खैर, मुझे इतना पसंद नहीं है, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए पसंद करके ले लिए थे 3 अदद सूट और चार अदद जो कि मैं आपको घर जाके शॉपिंग दिखाऊंगी आपको अपनी। इंशाल्लाह, चलो चलो चलो, मम्मा जाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे हर फ्लोर पे जो है वो बच्चे खड़े हुए थे छोटे छोटे, जो कि अपने कस्टमर्स को ग्रैब कर रहे थे कि बाजी यहाँ जाओ, यहाँ जाओ,
यहाँ पर सेल लगी हुई है या मर्दाना कपड़े ऊपर हैं, जनाना कपड़े नीचे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन साथ साथ वैसे भी चलती रहती है, अनाउंसमेंट भी होती रहती है और साथ साथ वो आपको बताते भी रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए सूट पसंद कर लिए थे, सूट ले लिए थे, बस अब उनके लिए दुपट्टे लेने मैंने हैं। वैसे नॉर्मली होता है कि आप वैसे सूट बाय करते हो तो 3 पीसेस जो कि नॉर्मली आजकल ट्रेंड चल रहा है तो वो आपको 3 पीस में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो है वो क्योंकि अलग अलग से कॉम्बिनेशन में कंट्रास्ट के साथ बाय किए थे अपने सूट, तो मुझे उनके लिए दुपट्टे जो है वो चाहिए थे। और क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है कि घर में इंसान जो है वो 3-4 किस्म के कपड़ों में फिर रहा हो तो बहुत ही बुरा लग रहा होता है। नॉर्मली सभी इसी तरह से होते हैं, एक ट्राउज़र या शर्ट में, लेकिन क्या होता है कि नॉर्मली जब आप ऐसे इस तरह से वेयर करते हैं तो 3 पीस ही हो तो वो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर अजीब सा लग रहा होता है कि आपने तो दुपट्टा कोई और, शॉल कोई और पहनी हुई है। तो यहाँ पर अब हम फिलहाल आ गए थे नीचे बेसमेंट में और यहाँ पर हम आ गए हैं अलसफा। ये जैसे कहते हैं ना, कनेक्टेड ही हैं, एडजेसेंट एक दूसरे के साथ ही जो है वो मॉल्स हैं, तो दाऊद शॉपिंग मॉल है और सेंटर है इनफैक्ट, फिर उसके साथ ही हारून शॉपिंग सेंटर है, उसके साथ ही अलसफा शॉपिंग सेंटर है। तो यहाँ पे अलसफा पे नीचे हम क्रॉकरी के सेक्शन में आए थे और एक आध चीज़ें हमने यहाँ से ख़रीदी और ग्लास वगैरह हिनाबाजी ने कुछ देखने थे। उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो है वो स्क्रीन लग रही है, स्क्रीन सेवर मैंने लगवाना था क्योंकि वो काफ़ी क्रैक्स आ गए थे मेरे मोबाइल के स्क्रीन सेवर में, तो मैंने कहा वो मैं लगा रही थी और फिलहाल ये अच्छा। और मैं ना परेशान हो गई, मैंने कहा यार हिनाबाजी मैं अभी मैंने शूट करना था एक्चुअली बनवाते हुए कि किस तरह से स्क्रीन सेवर वो लगा रहे थे, तो मैंने कहा मैं साथ साथ शूट भी करूँगी, तो एकदम से परेशान हो गई। मैंने कहा मेरा मोबाइल कहाँ गया, और पता चला जी कि इतनी मैं उल्लू हूँ कि मेरा जो मोबाइल है वो उसको स्क्रीन सेवर जो है वो लगा रहे थे, तो स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा रहे थे और मैं जो है खड़ी हुई मैं परेशान। मैंने कहा यार पता नहीं मेरा मोबाइल कहाँ गया, पर मैंने हिना बाजी के मोबाइल से बाकी की वीडियो जो है वो शूट करी, तो वो क्लिप मैंने ऐड कर दिया। अच्छा उसके बाद मैंने कहा ना काफ़ी सारी चीज़ें थी आज हिना बाजी बेचारी मेरी खातिर जो है अल्लाह मियाँ उसको लंबी उम्र दे सेहत ज़िंदगी सलामती के साथ, जब भी मैं उसे कहती हूँ जो भी चीज़ें मैंने लेनी होती हैं तो वो मेरे साथ हर जगह बेचारी चली जाती हैं, तो आज ज़्यादातर चीज़ें मेरी ही लेनी थी। तो उसके बाद मैंने कुछ प्लास्टिक के कुछ चीज़ें कंटेनर्स वगैरह लेने थे तो मेरे साथ वहाँ पर आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पैदल चलते चलते हमने कहा चलो जी अब दोपहर का वक्त हो चुका था और बेसिकली अब हम जा रहे थे कुछ पेट पूजा करने के लिए, तो रास्ते में यहाँ पर अकबर जलेबी जो कि बहुत इनकी ग्रेटो वाली जलेबी होती है और बहुत मशहूर होती है और यहाँ पर आप रश देख सकते हैं। इसके अलावा ये सारे निमकोज और ये समोसाज और समोसे वगैरह और पकौड़े भी इनके काफ़ी मशहूर है और बहुत टेस्टी होते हैं, तो ये यहाँ पर बिक रहे थे। और अब मुझे रोड का नाम नहीं पता सॉरी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी फिर कभी। खैर तो यहाँ पर जो है हम लोग फ़िलहाल फिर वहाँ से होते हुए और हमने रिक्शा करा था, रिक्शा करने के बाद अब हम यहाँ पर आ गए हैं जान पोस्ट, क्योंकि शॉपिंग करने इंसान निकलता है तो सबसे अमेजिंग और अच्छी बात जो मुझे शॉपिंग की लगती है ना वो होती है जब आप जो है वो कुछ खाने के लिए बैठते हैं, तो शॉपिंग करने के बाद भूख भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो अब यहाँ पर हम आ गए थे और जान प्रोस्ट हम सबका फेवरेट हमेशा से, और यहाँ पर आके मज़ा इसलिए आता है क्योंकि यहाँ का जो टेस्ट है हर चीज़ का वो कराची से काफ़ी, हमें खाना जो है यहाँ का बिल्कुल जो है इनकी मलाई बोटी, इनकी बिहारी बोटी, इनके पराठे, इनकी बिरयानी, इनकी हर चीज़ में जो है ना वो कराची का टच है, तो इसलिए बहुत मज़ा आ रहा होता है यहाँ पर आकर। तो फिलहाल शॉपिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे और अभी जो है वो बच्चियों ने अपने लिए मंगाई थी बिरयानी, क्योंकि बिरयानी तो आपको पता है बच्चों की फेवरेट होती होती है और इनकी बिरयानी वाकई में बहुत टेस्टी होती है। मुझे कभी ख़त्म भी दिलाना हो, देग वगैरह भी बनवानी हो तो मैं हमेशा जान ब्रूश की ही बनवाती हूँ। अच्छा जी अब इसके अलावा जो है यहाँ पर हमने मंगा लिए थे सीख कबाब, इनके सीख कबाब बहुत ज़्यादा डिफरेंट, आप ज़रूर यू मस्ट ट्राई, और आप लोग कभी जाना हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनके सीख कबाब इतने ज़्यादा टेस्टी और इतने ज़्यादा लजीज होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। और ये है इनके गरम 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 पूरी पराठा, और जिसके साथ अब हम इंजॉय करेंगे अपना सीख कबाब।
जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और इनकी जो हरी वाली चटनी है ना वो तो बहुत ही औसम है। वो उसका टेस्ट तो मैं तो खाली पराठे के साथ वो चटनी खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ की सभी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, औसम किस्म की हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर जाना और विज़िट करना। बस एक चीज़ जो इनकी मुझे पसंद नहीं है वो इनकी काफ़ी अनकम्फर्टेबल सी जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट है। हाँ जी, तो इस वक्त हम लोग आए हुए हैं जान ब्रोस्ट, और जान ब्रोस्ट का तमाम खाने बहुत ज़बरदस्त, यम्मी और मज़ेदार होते हैं। और इस वक्त हम लोग जो है बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे पराठा कबाब, और साथ साथ हमने बिरयानी और रखी है। शॉपिंग कर करके हम लोग थक गए थे, तो इस वजह से हम क्या पर। हाँ जी, जैसे कोयटा में हमारे थोड़ा हौसला भी हो जाता है शूटिंग करते हुए, आई गेस हर जगह ही हो जाता है। यहाँ पर अभी मैं शूटिंग कर ही रही थी तो एक आंटी जी ने बच्ची ने शोर मचा दिया कि बाची शूटिंग बंद करो, शूटिंग बंद करो। तो खैर लोग माइंड भी कर जाते हैं, इस वजह से काफ़ी देखभाल की शूटिंग करनी पड़ती है। तो फिलहाल हम लोग आ गए थे घर, और घर आके सबसे अमेजिंग बात जो होती है ना वो होती है अपनी की हुई शॉपिंग देखना। सबसे पहले तो आपको घर आके लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाए लेकिन आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज मैं बहुत सेटिस्फाइड थी क्योंकि मैंने अपनी पसंद की जो जो मेरी लिस्ट में चीज़ें थी वो मैंने सब खरीद ली थी। मैंने ये लिनन के सूट्स खरीदे थे अपने लिए, हिनाबाजी ने ये जार्स खरीदे थे अपने लिए, और कुछ एक प्लास्टिक के कंटेनर दो खरीदे थे, जार्स खरीदे थे। और कैसा लगा आप लोगों को ये शॉपिंग ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कपड़े स्टिच करवा लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो तब तक मिलूँगी किसी दूसरे ब्लॉग में, तो तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ मोनीज़ एंटरटेनमेंट। अल्लाह हाफिज़।